हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंस टॉक्स में। दिस इज़ हैशटैग सेंस टॉक 015। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ऑफसेट कितने टाइप के होते हैं और उनको किस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि ऑफसेट जो बेसिकली टूल ऑफसेट होता है उसको हम कैसे मशीन पे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऑफसेट लेने के लिए हम इसको मशीन पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पे प्रोग्राम की प्रेस करनी, PROG इसको प्रेस किया तो हमारा प्रोग्राम अभी तक MDI मोड में चालू है। तो उसके लिए पहले यहाँ से इसको एडिट मोड में करना पड़ेगा। यहाँ पे MDI मोड चालू है तो इसको पहले करेंगे एडिट मोड पर। जब इसको एडिट मोड पर कर दिया तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम आ गया। अब प्रोग्राम में हमने जितने भी टूल यूज़ करने हैं उनको देखना है कि कौन कौन सा टूल हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे लिखा है M06T12, इसका मतलब हमने 12 नंबर का टूल यूज़ किया है और उसके साथ में G43 का यूज़ भी दिया होगा। तो नेक्स्ट लाइन में नीचे G43H22 लिखा हुआ है। तो H22 का मतलब इसका जो ऑफसेट नंबर है वो 22 नंबर है। तो इसका मतलब 12 नंबर टूल का 22 नंबर में हमने ऑफसेट फिल करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको फिल करना है कैसे। सबसे पहले लेंगे 12 नंबर टूल का ऑफसेट। तो उसके लिए सबसे पहले 12 नंबर टूल को कॉल करेंगे। तो यहाँ से मोड को चेंज करके करेंगे MDI पे और यहाँ पे कमांड देंगे टूल चेंज की। तो टूल चेंज करने के लिए सिंपल हम देते हैं M06 ऑटोमेटिक टूल चेंज के लिए और साथ में टूल नंबर। तो हमारा टूल 12 है तो T12 और साथ में लगाएंगे एंड ऑफ ब्लॉक और इसको कर देंगे इंसर्ट। तो यहाँ पे हमारा M06T12 लग गया। अब जैसे मैंने साइकिल स्टार्ट का बटन प्रेस करना, टूल ने ऑटोमेटिकली चेंज होकर वहाँ पे 12 नंबर का टूल आ जाएगा। तो जैसे साइकिल स्टार्ट का बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 नंबर का टूल आ गया। अब हम इस 12 नंबर के टूल का ऑफसेट लेंगे। तो अभी हमने ऑफसेट मैनुअली वर्क करना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे की है ऑफसेट की इसको प्रेस किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस टूल का हमने ऑफसेट लेना है उसको उसके ऑफसेट नंबर में ही फिल करना है। तो प्रोग्राम में हमने 12 नंबर टूल का ऑफसेट में H की वैल्यू दी थी 22, तो 12 नंबर टूल का ऑफसेट हमेशा 22 नंबर में ही फिल करना है। तो यहाँ पे ये 22 नंबर, तो यहीं पे इसको ऑफसेट हमने फिल करना है। तो अब ऑफसेट को हमने लेना कैसे है, अब टूल को मैनुअली जेड डायरेक्शन में नीचे लेके आएंगे और वर्क पीस पे सिंपल टच कराना है। तो यहाँ से ये हमारा MPG है तो इसको जैसे रोटेट करेंगे तो टूल हमारा रोटेट करेगा तीनों डायरेक्शन में। तो यहाँ से डायरेक्शन सेलेक्ट करके जेड में मूव करना है, तो यहाँ से जेड एक्सिस को सिलेक्ट करके फिर इसको MPG को मूव करना है। तो अभी मैनुअली इसको लेके आएंगे, MPG का यूज़ करते हुए जेड डायरेक्शन में नीचे लेके आएंगे। अब जैसे ये बिल्कुल वर्क पीस के क्लोज पहुंच गया तो फीड को कर देंगे कम। अब फीड को कम कर दिया, अब इसको यहाँ पे हल्का सा टच पॉइंट लेना है, बस सिंपल हल्का सा टच पॉइंट। साथ में ड्रिल को घुमा के भी देखना है कि ज़्यादा इसके अंदर चला ना जाए, नॉर्मली टच पॉइंट लेना है हमें। तो अभी बिल्कुल हल्का सा टच इसमें हो चुका है तो यहीं पे इसका 0 पॉइंट आ जाएगा। तो अब इसको फिल कैसे करना है, अब यहाँ पे जाएंगे हम निकालेंगे मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके लिए यहाँ पे दिख रहा है ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव है और यहाँ पे ऑल है। तो ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गए। तो यहाँ पे मशीन जहाँ पे लिखा है ये हमारा मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जहाँ पे इसकी जेड की वैल्यू है वो वैल्यू हम फिल कर देंगे हमारे ऑफसेट नंबर में। तो इस टाइम पे जेड की वैल्यू है -374.877, तो इसको जाके डायरेक्टली फिल कर देंगे ऑफसेट नंबर में। तो सिंपली जाएंगे यहाँ से ऑफसेट पे और यहाँ पे जो वैल्यू वहाँ पे आई थी उसको यहाँ पे डायरेक्टली फिल कर देंगे। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली फिल कर देनी है जो वैल्यू हमारी जेड की आ रही थी मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे -374.877
77 और इसको कर देंगे इनपुट। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई जो हमारी ऑफसेट की वैल्यू थी। तो ऐसे यहाँ पे हम ऑफसेट फिल करते हैं, तो अब यहाँ पे 12 नंबर टूल का ऑफसेट यहाँ पे फिल हो चुका है।